हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रानू रज़ा। आज हम बनाने जा रहे हैं सेव की नमकीन। इस नमकीन को एज ए स्नैक्स भी इस्तेमाल किया जाता है टी टाइम पर। ये नमकीन बहुत लाइट होती है और आप इसे किसी भी वक्त खा सकते हैं और इसे बनाना भी आसान है। एक बाउल लिया है और यहाँ मैंने लिया है एक आलू। इसको मैंने बीच से कट करके उबाल लिया था। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इसको हम बारीक ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से सभी को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डाला है एक कप बेसन, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून डाला है मैंने हल्दी। एक चम्मच डाला है रिफाइंड ऑयल। अच्छे से मिक्स करेंगे। मसलते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 चम्मच ही इसमें हम पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस तरह से हम मसल कर इसको एक डो की शेप में ले आएंगे। इस तरह से सॉफ्ट डो बनाएंगे। 2-3 चम्मच और डालेंगे ताकि हमारा जो बेसन है चारों तरफ से एक साथ हो जाए। ये देखिए, इस तरह से हमने अपना डो तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रखी है। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम ये देख लेते हैं। ये मैंने सेव की मशीन ली है। अब मीडियम साइज़ की मैंने इसमें जाली का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम इसको लगा देंगे। ये इस तरह से जब हम इसमें अपना डो डाल देंगे उसके बाद हम इसको लगा देंगे। यहाँ थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दिया है। थोड़ा सा हाथों पे लगाएंगे और हम अपना जो हमने बेसन का डो बनाया था उसको ले लेंगे। इस तरह से हम लंबाई में इसको रोल कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ऊपर से इसको नीचे की साइड दबाकर इसको बंद कर देंगे। अगर इस तरह से प्रेस करने से आपके सेव नहीं बनते हैं तो आप थोड़ा सा डो और डाल दीजिएगा, उसके बाद बनाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। गैस हम अपनी मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो सेव हमारे जल जाएंगे। इस तरह से राउंड शेप देते हुए हम इन्हें बना लेंगे। 2 मिनट बाद हम इन्हें पलटेंगे। उससे पहले हम इन्हें टच नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। इसी तरह से दोनों साइड से हम इनको फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए, एक बैच हमारा तैयार है, दूसरा बनाते हैं। इस तरह से दो मिनट बाद इसको भी हम पलट देंगे। दोनों साइड से अच्छे से हम इनको फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। ये नमकीन चाय के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत क्रिस्पी बने हैं। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। बनाना बहुत आसान है। आप इस सेव को 1 महीने के लिए एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इसको चाय के साथ। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।